आज कल्याणपुरी में डीडीए की टीम अपनी जमीन खाली करवाने के लिए पहुंची है। डीडीए के मुताबिक अवैध कब्जा करने वालों को कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही जमीन खाली की गई। मौके पर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए। सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों का ये कहना है कि 50 से 60 साल यहाँ पे हो गए, आज तक कोई कार्रवाई कोई नोटिस नहीं हो। अचानक जो डीडीए है बुलडोजर लेके आ गई और उनका आशियाना जो है तोड़ा जा रहा है। आप साफ तौर पे विजुअल साफ तौर पे देख सकते हैं और भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, क्योंकि ये जो एरिया है काफी सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर जो है वो जाट गुजर और जो दूसरी जाति के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो रहते हैं, और किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर ना बिगड़े इसी के लिए पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है। जी तो कल्याणपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। डीडीए का यह कहना है कि बार बार लोगों को नोटिस दिया गया, जमीन खाली करवाने को उनसे कहा गया, लेकिन जमीन खाली जब उनकी तरफ से नहीं की गई तो अवैध कब्जे को अब बुलडोजर से हटाया जा रहा है। सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है और उसी की मौजूदगी में यह कार्रवाई हो रही है। अतिक्रमण हो या अवैध निर्माण हो या किसी भी तरीके का जो है वो अवैध कब्जा हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और यही कारण है कि चाहे वो डीडीए की जमीन हो या एमसीडी की जमीन हो, अभी तक हम लोग एमसीडी की जमीन पर कार्रवाई होते देखते आ रहे थे और ये आरोप भी लग रहे थे कि एक विशेष समुदाय के लोगों को, एक विशेष जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आज की जो कार्रवाई है इसको अगर देखें तो उन सब जो सवाल पे जो है वो पूरी तरीके से रोक लग जाती है, जो ये आरोप लगाते हैं कि एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये जो इलाका है यहाँ पे जाट गुजर और तमाम जो दूसरे जो है वो जो लोग हैं वो जो गैर मुस्लिम लोग, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, यहाँ पर ज्यादातर 90% आबादी उन्हीं लोगों की है, लेकिन उन लोगों ने भी अवैध कब्जा किया था जिसके चलते ये कार्रवाई की जा रही है। आप, मैं विजुअल से एक बार पीयूष से कहूंगा फिर से दिखाएं कि देखिए बुलडोजर अपना काम लगातार कर रहा है, अभी तक एमसीडी पे आरोप लगते हैं और अब जो है वो डीडीए जो है वो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। डीडीए भी अब जो है अपनी जमीन को खाली करवा रहा है। आप देखिए किस तरीके से अवैध निर्माण को जो है वो हटाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके का अवैध निर्माण हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पक्का हो या कच्चा हो, किसी भी तरीके का अवैध निर्माण होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये मैसेज साफ तौर पर दिया जा रहा है। और अगर बात की जाए बुलडोजर की तो बुलडोजर दोबारा जो है वो गरजना शुरू हो चुका है। लोगों का यहाँ पे भारी विरोध देखने को मिल रहा है, खासतौर महिलाएं यहाँ पर इस बुलडोजर की कार्रवाई का भारी विरोध यहाँ पर जो है वो कर रही है।